अस्सलामु अलैकुम। फ्रूट ट्री टेक्निक चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम एक दरख्त की शाख तराशी करनी है हमने। ये ट्री एक ऐसा ट्री है जिस पर तकरीबन 5-6 वैरायटियों की ग्राफ्टिंग होती है। उसमें सेब भी होता है, नाशपाती, एक वाइट नाक है। इसी किस्म की 2-3 और वैरायटियां हैं जो इस पर पैवान लगता है। तो आज 31 दिसंबर 2018 है, तो आज मैं इसको इसकी शाख तराशी करके इसको साफ़ कर दूंगा ताकि नेक्स्ट जब हम ग्राफ्टिंग करें तो हमारे पास टाइम बच जाए। तो चलो आज का काम शुरू करते हैं। इसके के लिए मेरे पास एक शाख तराश कैंची है और एक ये आरी है। तो इसको सबसे पहले हम ये काटते हैं ऐसे। इससे ये होता है कि आप अगर यहाँ इस जगह पे ग्राफ्टिंग करें, नीचे अगर ये शाखें रह जाएं, तो वो ये होता है कि वो सारा असर ये शाखें सोप कर लेती हैं और ग्राफ्टिंग ऊपर से सूख जाती है या वो उसकी नशोनुमा नहीं होती। तो मैं इनकी दोनों की शाख तराशी करके फिर आपको दोबारा इसकी अपडेट दिखाता हूँ। ये जो है मैंने बिल्कुल इसको साफ़ कर दिया है। तो एक ये कांटे रह गए हैं, इनसे भी आगे वो टेनियाँ बनती हैं, इनको भी मैंने साफ़ कर दिया है। नेक्स्ट मैं इस पर इन दोनों पर तकरीबन 7-8 किस्म की पैवंद लगाऊंगा। जब मैं पैवंद लगाऊंगा उस वक्त मैं पैवंद की वीडियो, फिर उनकी जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी तो वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे इस चैनल को, वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलिए। तो उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल की ग्रोथ में हमारा साथ देंगे। मैं इसी पर जाना चाहता हूँ। ओके, अस्सलामु अलैकुम।